दोस्तों ये है योइची हमारे कहानी का मेन किरदार और ये बचपन से ही जंगलों के बीच में अपने बाप के साथ रहा है ताकि वो एक सामुराई बन सके। इसी वजह से ही बचपन से उसने लड़कियां तो क्या लड़कियों का नाम तक नहीं सुना है। पर जब एक दिन उसके बाप को पोता पोती देखने का मन करता है तो फिर वो अपने बेटे को एक ऐसी जगह पे रहने के लिए भेज देता है जहाँ पे हर तरफ बस लड़कियां ही लड़कियां भरी हुई है और वो भी इतनी ज्यादा ठरक से भरी हुई कि वो तो बिल्कुल योइची को नोच खाने के लिए तैयार है। तो कहानी की शुरुआत है और स्टार्टिंग में ही योइची अपने बाप को एक शॉर्ट फाइट में हरा देता है जिससे उसका बाप ये समझ जाता है कि अब वो योइची को ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा क्योंकि योइची तो अब उससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसलिए वो उसको शहर में एक डोजो सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए भेजता है जहाँ पे बस लड़कियां ही लड़कियां थी, इस उम्मीद में कि काश मरने से पहले उसको अपने हाथों में पोता पोती खिलाने का मौका मिल जाए। तभी उसी वक्त अबुकी को एक एरो पे योइची के बाप का मैसेज मिलता है कि कुछ ही टाइम में उनका बेटा उनके डोजो सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए रहा है। इसलिए अबुकी जाकर जब इस बारे में अपने डोजो मेंबर्स को बताती है तो फिर वो लोग वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि एक अनजाना लड़का आकर यहाँ पे उन लोगों के साथ रहेगा, क्या ये ठीक है। पर दो लड़कियाँ वहाँ पर काफी ज्यादा शांत होती है और उनमें से चिया बोलती है कि उन लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन लोगों के साथ अबुकी है। अगर उस लड़के ने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो अबुकी जाकर उसके अखरोड़ों को अपने हाथों से पकड़ के मरोड़ देगी। इसलिए कुछ देर बाद वो सभी लड़कियाँ इस बात के लिए एग्री हो जाती है। तब दूसरी तरफ हमें योइची का सीन दिखाया जाता है जो कि शहर के अंदर आकर पहुंच चुका था और वो शहर की सभी चीजों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई एलियन धरती पे आ चुका हो। पर वहाँ के सभी लोग उसको काफी ज्यादा अजीब नजरों से देख रहे थे क्योंकि उसके कपड़े काफी ज्यादा पुराने जमाने के थे और उसके हाथ में एक वुडन सॉर्ड थी। तभी इसी बीच योइची जाकर वहाँ पे कुछ छपरी लड़कों से टकरा जाता है जो कि गुस्से में आकर उसके वुडन सॉर्ड पे लात मार देते हैं। पर इस चीज से योइची वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक समुराई के लिए सबसे रिस्पेक्ट चीज उसकी सॉर्ड होती है। इसलिए योइची वहाँ पर अपने वुडन सॉर्ड से उस वाले छपरी के ऊपर एक हमला करता है जिसके लगते ही वो छपरी वहाँ पर चार गुलाटियां मारते हुए जाकर काफी दूर गिरता है और ये देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि इतना मुस्टंडा सा छपरी एक ककड़ी जैसे लड़के के लकड़ी वाले तलवार से मार खाकर इतना दूर जाकर गिर गया। तभी इमीडिएटली वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर योइची के हाथ पे हथकड़ी लगा देता है और उससे बोलता है, बेटा ऐसे पब्लिक में तलवार घुमाना इल्लीगल है भले ही वो तलवार लकड़ी की ही क्यों ना हो। फिर पुलिस स्टेशन में जब योइची उन सारे पुलिस वालों को सब कुछ सच बताता है तो फिर वो लोग ये समझ जाते हैं कि योइची कोई एक बुरा लड़का नहीं है। और बात करते करते ही योइची वहाँ पर ये रियलाइज करता है कि वो उसके डोजो सेंटर की लड़कियों से मिलने के लिए लेट होने वाला है। इसीलिए झट से वो उन पुलिस के चंगुल से खुद को छुड़ा कर वहाँ से भागने लग जाता है और वो पुलिस वाले भी योइची का पीछा नहीं करते क्योंकि वो पुलिस वाले योइची के सामने कुछ ज्यादा ही अनफिट थे। देन काफी देर तक इंतजार करते करते वो लड़कियाँ वहाँ पर परेशान हो जाती है। इसलिए आया में और चिया वहाँ से शॉपिंग मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे कागो में भी भाग जाती है उस शॉपिंग मॉल के बाथरूम के अंदर सुसु करने के लिए। और सेम टाइम पे योइची भी वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि वो उस बड़े से शहर के अंदर खो चुका था। इसलिए वो एक बड़ी सी बिल्डिंग देखकर ये फैसला करता है कि वो उसके ऊपर जाकर रास्ता ढूंढेगा और कोइंसिडेंटली ये वही शॉपिंग मॉल वाली बिल्डिंग होती है जहाँ पे कि आया में और चिया गए थे। और उस बिल्डिंग के ऊपर जाते हुए योइची गलती से लड़खड़ाते हुए जाकर एक चेंजिंग रूम के अंदर गिर जाता है जिसके अंदर की आया में अपने कपड़े बदल रही थी और योइची को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसलिए उसको चुप करवाने के लिए योइची जाकर उसके मुंह को पकड़ लेता है और गलती से वो वहाँ पे उसके संतरे भी दबा देता है। इसलिए इसके रिफ्लेक्स में आया में वहाँ पे योइची के आगे की पीढ़ी पे लात मार देती है। इसलिए योइची को वहाँ पर अपने आगे की पीढ़ी को बचाकर भागना पड़ता है। उसी बीच उसके पीछे कुछ पुलिस वाले भी पड़ चुके थे पर तभी योइची देखता है कि एक चोर एक बूढ़ी अम्मा से उसका बैग छीन के वहाँ से भाग रहा था। इसलिए योइची भी उसके पीछे पड़ जाता है उसको पकड़ने के लिए। पर देन जाकर वो चिया से टकरा जाता है पर उसको वहाँ पे बिल्कुल भी चोट नहीं आती क्योंकि वो जाकर उसके कुशन जैसे दिलों से जो टकराया था। पर जैसे तैसे योइची खुद को संभालते हुए जाकर आखिरकार उस चोर को पकड़ ही लेता है। उसके बाद वो फिर से जाकर उन डोजो सेंटर्स के लड़कियों को ढूंढने लग जाता है पर फिर भी वो उनको नहीं ढूंढ पाता। पर उसको वहाँ पे रोते हुए कागोमा मिल जाती है क्योंकि वो बाथरूम में सुसु करने के लिए तो आई थी पर वापस जाते हुए वो अपना रास्ता ही भटक चुकी है इसलिए वो वापस नहीं जा पा रही। तो योइची वहाँ पर फैसला करता है कि वो इस छोटी बच्ची कागोमे की मदद करेगा उसके बहनों को ढूंढने में और वो उसको लेकर एक ऊंची जगह पे जाता है जहाँ पे कागोमा अपनी बहनों को देखकर पहचान लेती है। पर इससे पहले कि योइची उसको उसके बहनों के पास ले जा पाता है वहाँ पे पुलिस आ जाती है जिनको ऐसा लगता है कि इस बार योइची किसी छोटी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वहाँ पर योइची के अंदर का मक्कड़ मानव जिंदा हो जाता
जाता है और वो एक रस्सी का इस्तेमाल करते हुए लटक के जाकर कागो में को उसके बहनों के पास सेफली छोड़ देता है। उस भाई दरलान के बुआ तेरे 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 पर इसी चक्कर में वो उस मॉल के खिड़की को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर ही उड़ जाता है। इसीलिए अबुकिस वाले मॉल से बाहर आकर योइची से बात करके उसको थैंक यू बोलने लगती है और बातों ही बातों में वहाँ पर उन दोनों को ही पता चलता है कि योइची जिस वाले डोजो सेंटर में जाना चाहता था उसकी इंस्ट्रक्टर तो अबुकी है। इसीलिए अबुकी जब योइची को अपने साथ लेकर अपने डोजो सेंटर में जाती है तो वहाँ की मेंबर्स को देख कर योइची बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो मेंबर्स वो सभी लड़कियाँ थी जिनके साथ उसने मॉल में गलती से कुछ न कुछ उल्टी सीधी हरकतें ही की थी। तो फिर योइची वहाँ पर उन वाली लड़कियों के साथ उस डोजो सेंटर में रहने लग जाता है और अगले ही दिन वो तैयार होकर उन लोगों के साथ उनके स्कूल में जाता है, जहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये बोलता है कि वो इबुकी के साथ ही उसके डोजो सेंटर में रहता है। ये सुनकर वहाँ पर सभी की फट जाती है और खास करके वहाँ पे एक रायो नाम के छपरी की, क्योंकि इबुकी उसकी क्रश थी। इसलिए वो वहाँ पर खड़ा होकर काफी ज्यादा अजीबोगरीब बातें करने लगता है। फिर लंच टाइम में इबुकी के पास उसके कुछ दोस्त आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या सच्ची में योइची उसके ही साथ रहता है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि योइची इबुकी का कोई स्लेव है जिसको कि जब भी इबुकी को प्यास लगती है तो फिर योइची जाकर उसकी अंदर की प्यास बुझाता है पानी के ग्लास से। इसलिए इबुकी उन लोगों को मना करने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस उनका एक नया स्टूडेंट है। और जब लंच करके इबुकी अपने क्लास में वापस आती है तो वो देखती है कि योइची के चारों तरफ काफी सारी लड़कियां घेरा बना के खड़ी थी। इसलिए वो योइची को लेकर एक अकेली जगह पे आ जाती है, जहाँ पे वो उसकी तरफ एक डंडा पॉइंट करते हुए उससे बोलती है कि उसको इस तरीके से दूसरी लड़कियों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी ठरक का कोई भरोसा नहीं है, कब पता नहीं वो योइची को नोच खाए। इसलिए अगर उसने उसके अलावा किसी और लड़की की तरफ देखा तो इसी डंडे से मार मार के वो उसका भूत बना देगी। पर उनकी ये सब बातें वहाँ पे रायो सुन लेता है और उसको ऐसा लगता है कि योइची किसी तरीके से इबुकी को टॉर्चर कर रहा है। इसलिए वो जाकर योइची को फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है, जिसको कि आखिर में योइची को मानना ही पड़ता है। तो जैसे ही वहाँ पर योइची और रायो के बीच में फाइट स्टार्ट होती है तो योइची रायो को एक लात मार के नीचे गिरा देता है। इसलिए रायो वहाँ पर रोने लग जाता है कि वो तो योइची के सामने 5 मिनट तक भी नहीं टिक पाया। इसलिए तब इबुकी उसके पास कर उसको अपना हैंकी देती है अपने आंसू पोंछने के लिए, जो देखकर रायो के आंखों में वहाँ पर तारे चमक जाते हैं कि इबुकी उसके बारे में कितना फिकर करती है। उसने अपना हैंकी बस उसको अपने आंसू पोंछने के लिए दे दिया। फिर वहाँ से वापस आने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि योइची को तो काफी तेज बुखार हो चुका है। तब आयामे उससे बोलती है कि उसको पता है कि योइची को क्यों बुखार हो चुका है। दरअसल इतनी सारी लड़कियों से घिर जाने की वजह से योइची की सुखड़ी बॉडी इस चीज को संभाल नहीं पाई और उसको बुखार हो गया। ये सुनकर योइची की वहाँ पर जल जाती है और वो डंडा लेकर आयामे की तरफ जाने लगता है, पर इबुकी वहाँ पर उसको जैसे तैसे पकड़ के रोके हुए थी। फिर आयामे ये फैसला करती है कि वो जाकर योइची के लिए कोई बढ़िया सा खाना बनाएगी जिसको खाकर योइची की तबीयत ठीक हो सके। और इस तरफ इबुकी भी सब्जियां खरीदने के लिए सुपरमार्केट चली जाती है। फिर उन लोगों की वहाँ से चले जाने के बाद योइची चिया से पूछता है कि इबुकी इतनी ज्यादा अजीब सी क्यों है। कभी कभार तो वो ऐसा एक्ट करती है कि जैसे वो काफी ज्यादा गुस्सैल और खड़ूस हो, पर कभी कभार वो बिल्कुल ऐसी बन जाती है जैसे कि वो एक प्यारी सी क्यूट सी कैट हो। तब चिया उसको समझाती है कि दरअसल सच में इबुकी इतनी ज्यादा खड़ूस भी नहीं है, दरअसल उसने अपने बचपन से ही काफी ज्यादा मुश्किल दिन देखे हैं, इसलिए वो हमेशा से ही खड़ूस एक्ट करने की कोशिश करती है जिससे वो अपने डोजो सेंटर को अच्छे से चला सके। ये सुनकर योइची वहाँ पर ये रियलाइज करता है कि वो कितना घटिया इंसान है। उसने इबुकी को काफी ज्यादा खड़ूस और गुस्सैल इंसान समझते हुए उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया है। और दूसरी तरफ सुपरमार्केट में इबुकी भी ये रियलाइज करती है कि योइची हमेशा से ही ऐसी दुनिया से दूर अकेले में जंगलों में पला बढ़ा है, इसलिए उसको उसके साथ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से वो दोनों ही वहाँ पर ये फैसला कर लेते हैं कि वो दोनों ही अपनी अपनी गलतियों के लिए आपस में एक दूसरे से माफी मांगेंगे। देन फिर हमें वहाँ पर आयामे का सीन दिखाया जाता है जो कि योइची के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, पर काफी ज्यादा कोशिशें कर लेने के बाद भी वो कुछ भी ढंग का बना ही नहीं पा रही थी, जिससे उसको ये रियलाइज होता है कि वो कितनी ज्यादा यूजलेस है, उसको तो एक ढंग के खाने का रेसिपी तक बनाना नहीं आता। इसलिए देन तब उसके पास कागो में आती है जो कि उसको खाना बनाने के लिए उसके साथ हेल्प ऑफर करती है, जहाँ पर वो दोनों ही साथ मिलकर खाना बनाने लगते हैं। और काफी घंटों के मेहनत के बाद आयामे फाइनली वहाँ पर एक ढंग की खाने की डिश बना ही लेती है। तो इसलिए आयामे वहाँ पर वो खाने की डिश लेकर योइची के पास जाने लगती है उसको वो डिश खिलाने के लिए। बट तब वो देखती है कि योइची और इबुकी ने एक दूसरे से माफी मांग ली थी और वो दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा हंस हंस के बात कर रहे थे। इसलिए तब आयामे वहाँ से दुखी होकर ये सोचते हुए अपने कमरे में भाग जाती है
है कि योइची तो कभी भी उसको नोटिस ही नहीं करता, पर उसी बीच वहाँ पर उसका पैर लड़खड़ा जाता है और उसने जो खाने की डिश बनाई थी वो गलती से खिड़की से बाहर ही गिर जाती है। पर इससे पहले कि वो खाना नीचे गिर पाता है, योइची वहाँ पर अपनी जान पर खेल कर दौड़ते हुए आकर उस खिड़की से कूद कर उस खाने को पकड़ लेता है। इसलिए जब आगे आया में दौड़ते हुए योइची के पास आती है ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, तो वो देखती है कि योइची वहाँ पर उसके खाने के डिश को पकड़ा हुआ नीचे बैठा हुआ था। और योइची वहाँ पर आया में से बोलता है कि उसने ये डिश खास उसके लिए काफी ज्यादा मशक्कत और काफी घंटों की मेहनत से बनाया है, तो फिर वो इस खाने को बर्बाद होने कैसे दे सकता है। देन योइची उस खाने को चखने के बाद आया में से बोलता है कि वो सच्ची में काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। ये सुनकर आया में की खुशी के मारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और आया में को हंसता हुआ देखकर योइची वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी भी आया में को हंसते हुए नहीं देखा था। इसलिए वो आया में से बोलता है कि वो हंसते हुए तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है। ये सुनकर आया में और भी ज्यादा शर्मा जाती है और शर्म के मारे योइची को लात मारने लगती है। तब आगे उसी दिन हम लोग वहाँ पर दो अनजाने लोगों को उस वाले शहर के अंदर आता हुआ देखते हैं, जिनमें से सुभाषा नाम की लड़की उस नए शहर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तब उसी दिन सुबह को योइची अबुकी और उनके सारे दोस्तों का सीन दिखाया जाता है जो सबके साथ मिलकर अपने डोजो सेंटर की सफाई कर रहे थे। और योइची अबुकी से पूछता है कि तुम्हें आजकल आयामी की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रही, वो आजकल घर के काम कुछ ज्यादा ही करने लग गई है, वो हमेशा से तो ऐसा नहीं थी। ये सुनकर आयामी उन लोगों को डेस्परेटली ये समझाने की कोशिश करती है कि वो तो हमेशा से ही ऐसी थी, पर असल में वो आजकल घर के काम इतना ज्यादा इसलिए करने लग गई थी ताकि योइची उसको नोटिस करने लग जाए और वो योइची के और ज्यादा करीब जा सके। फिर आगे वो लोग अपने स्कूल में जाते हैं जहाँ पर कि उनके टीचर एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन करवाते हैं जो कि नन अदर देन सुभाषा होती है, जिसको देखने के बाद उस क्लास के सारे लड़के इंक्लूडिंग योइची सुभाषा को चीयर करते हुए सेलिब्रेट करने लगते हैं जैसे कि उन्होंने कोई एक बड़ी सी लॉटरी जीत ली हो। पर इबुकी वहाँ पर योइची को चाटा मारते हुए उसको ये याद दिलाती है कि उसने उससे कहा था ना कि अगर उसने उसके अलावा किसी और लड़की की तरफ भी देखा तो फिर उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ पर उन लोगों की क्लास स्टार्ट होती है और जब उन लोगों का लंच ब्रेक आता है तो उसी के दौरान वहाँ पर एक स्टूडेंट गलती से एक फुटबॉल को सुभाषा की तरफ मार देता है, जिसको कि सुभाषा बिना देखे हुए ही अनकॉन्शियसली उसके दो टुकड़े कर देती है। और जब उसको इस बात का अंदाजा होता है तो वो वहाँ पर पैनिक करने लगती है कि कहीं उसकी असली आइडेंटिटी किसी को पता न चल जाए। पर तभी योइची इबुकी के साथ उसके पास आता है और उसकी तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि उसके रिफ्लेक्सेस तो काफी ज्यादा तेज है, और उसकी तरफ वो अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है जिसको कि सुभाषा काफी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। और अपने दोस्तों के साथ अपना पूरा स्कूल टाइम एंजॉय करने के बाद सुभाषा वहाँ से अपने घर वापस जाने लगती है, जहाँ पर कि रस्ते में ही उसको कुछ छपरी लड़के रोक लेते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं। इसीलिए उन लोगों के बीच में रायो आ जाता है जो कि उन छपरी लड़कों को रोकते हुए सुभाषा से काफी अच्छे से बात करने लगता है, जिससे बात करने के बाद सुभाषा को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है और उसको लगता है कि यही तो उसके सपनों का राजकुमार है जो कि अपने घोड़े पे बैठ के आएगा और उसको अपनी घोड़ी उसको अपने साथ ले जाएगा। तो उससे आगे जाते हुए सुभाषा गलती से फिर से जाकर योइची और इबुकी से टकरा जाती है जो कि उससे पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ चलते हुए घर जाना चाहेगी। पर इससे पहले कि सुभाषा वहाँ पर इस चीज का कोई रिप्लाई दे पाती, वहाँ पर एंजेला कहीं से भागते हुए आ जाती है जो कि अचानक से सुभाषा के कपड़ों को फाड़ देती है और उसको जाकर योइची से फाइट करने के लिए बोलती है। पर अपना योइची तो वहाँ पर उसके वाटर मेलॉन्स को देखकर पहले ही हार चुका था, इसलिए फिर इबुकी आकर उस वक्त योइची को धक्का मारकर उसको अपने होश में वापस लाती है। और इससे पहले कि योइची खुद को संभाल पाता, वहाँ पर अचानक से सुभाषा आकर उसके ऊपर जोरदार हमला कर देती है, जिसको देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि एंजेला ने उसके ऊपर किसी न किसी तरीके का हिप्नोटाइजमेंट किया है। तो योइची वहाँ पर सुभाषा से मार खाने लगता है क्योंकि उसका ध्यान सुभाषा के हमलों से ज्यादा तो उसके किसी और चीज पे था। इसलिए उन दोनों के बीच में रायो को आना पड़ता है जो कि अपने शर्ट को निकाल कर सुभाषा को पहना देता है क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। और अपने सपनों के राजकुमार को देखकर सुभाषा वहाँ पर समहाउ किसी न किसी तरीके से एंजेला के हिप्नोटाइजमेंट से बाहर आ जाती है और एम्बैरेस्ड होकर वहाँ से छलांगे मारते हुए भाग जाती है। तभी उसी दिन रात को इबुकी के डोजो सेंटर में एंजेला खुद योइची के ऊपर हमला करने के लिए आती है, और जब योइची उससे पूछता है कि वो उसके ऊपर हमला क्यों कर रही है तो फिर एंजेला उसको बिना कोई जवाब दिए ही अचानक से उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। बट समहाउ उसका वो हमला उसी के ऊपर ही इस्तेमाल हो जाता है और उसके सारे कपड़े फट जाते हैं। ठीक तभी ही वहाँ
पर इबुकी और उसकी बहनें आ जाते हैं योइची की मदद करने के लिए, पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो योइची बिल्कुल सदमे में जा चुका था, क्योंकि एंजेला को वहाँ पर वैसे देखने के बाद उसके थर्मामीटर का टेम्परेचर जो बढ़ चुका था। तो इबुकी वहाँ पर एंजेला से पूछती है कि वो ऐसे बार बार योइची के ऊपर हमला करने की कोशिश क्यों कर रही है। तो एंजेला उसको बताती है कि अपने क्लैन को बचाने के लिए उसको योइची को मारना ही होगा, क्योंकि किसी इंसान ने उसको ये कहा है कि अगर उसने योइची को हरा दिया तो फिर वो उसके बदले उसको काफी सारे पैसे देगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने मरते हुए क्लैन को बचा सकती है। ये बोलकर अचानक से एंजेला वहाँ पर योइची के ऊपर हमला करने के लिए जाती है, जिसको कि इमीडिएटली योइची वहाँ पर ब्लॉक कर देता है और उससे बोलता है कि उसे अपने क्लैन को बचाने के लिए कोई भी गलत काम करने की जरूरत नहीं है। वो उससे वादा करता है कि वो उसके क्लैन को बचाने में उसकी मदद करेगा। ये सुनकर एंजेला वहाँ पर योइची को काफी चमकीली आंखों से देखने लगती है और फिर वो वहाँ पर उससे बिना कुछ बोले ही वहाँ से वापस जाने लगती है, जहाँ पर वापस जाते हुए ही उसको रस्ते में सुबासा मिल जाती है, जो कि उसके गले लग के उससे बोलती है कि क्या वो लोग योइची के मारने वाले मिशन को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि योइची काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और वो हमेशा से ही उसकी मदद करता रहता है। ये सुनकर एंजेला को वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि अपने क्लैन को बचाने के चक्कर में वो खुद ही एक विलन बन चुकी है, इसलिए वो वहाँ पर सुबासा की बात मानते हुए अपने योइची को मारने वाले मिशन को कैंसिल करने के लिए एग्री हो जाती है। देन हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योइची और इबुकी अपने स्कूल से वापस आ रहे थे और रास्ते में ही उनकी मुलाकात वहाँ पे सुबासा से हो जाती है, जो कि कुछ सामानों को लेकर कहीं पे जा रही थी। इसलिए वो उन दोनों को समझाते हुए ये एक्सप्लेन करती है कि अब उन दोनों ने एक न्यू डिलीवरी गर्ल का काम स्टार्ट किया है, ताकि वो लोग अपने क्लैन को बचाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। फिर उसके बाद वहाँ पर एंजेला भी आ जाती है, जो कि योइची से बोलती है कि वो उसका दिल से शुक्रगुजार है, जो कि उसने उसको अच्छा रास्ता दिखाया और एक अच्छा इंसान बनाया। ये सुनकर वहाँ पर योइची को भी काफी ज्यादा खुशी होती है कि अब उन दोनों ने अपने मेहनत से पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया है। फिर वहाँ से अपने डोजो सेंटर में वापस आने के बाद वो दोनों जाते हैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को सॉर्ड फाइट सिखाने के लिए, जहाँ पे कि इबुकी और योइची वुडन सॉर्ड से लड़ते हुए उन स्टूडेंट्स को ये सिखा रहे थे कि आखिरकार सॉर्ड से लड़ा कैसे जाता है। पर वहाँ पे योइची के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो अपने विंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इबुकी के ऊपर के कपड़े फाड़ देता है, पर इससे योइची वहाँ पर जीतने के बजाय उल्टा अपने अंदर से ही हार जाता है, क्योंकि उसके मेलॉन्स देखने के बाद उसको अंदर से कुछ होने लग गया था। इसलिए इस बात से गुस्सा होकर इबुकी योइची के साथ साथ वहाँ पर उनके सारे स्टूडेंट्स को भी कूट देती है, और उन स्टूडेंट्स के वहाँ से जाने के बाद योइची जाकर इबुकी से बोलता है कि अगर उन्हें अपने डोजो सेंटर की तरफ और ज्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है तो उसे स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा प्यार से बिहेव करना होगा। बट तभी इबुकी वहाँ पर योइची से बोलती है कि अगर वो सच्ची में और ज्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहता है तो फिर सबसे पहले उसे सभी के सामने उसके कपड़े फाड़ने बंद करने होंगे। ये सुनकर वहाँ पे योइची भी बेचारा चुप हो जाता है, और उन लोगों के ट्रेनिंग के खत्म हो जाने के बाद योइची जाकर अपने चेहरे को धोने लगता है, जहाँ पे इबुकी देख पाती है कि चिया योइची के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ के घसीटते हुए उसको अपने कमरे की तरफ ले जाती है। जहाँ पे जब योइची जाकर उसके बनाए हुए मांगास को देखता है तो वो वहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि वो सच्ची में काफी ज्यादा अच्छे मांगास बनाती है, जो सुनकर चिया वहाँ पर शर्म के मारे पिघल के पानी पानी हो जाती है और जाकर योइची से चिपक के बोलती है कि उसे उसके मांगास पसंद आए, इसके बदले उसको कुछ तो तोहफा मिलना ही चाहिए। बट इससे पहले कि योइची को वहाँ पर उसका तोहफा मिल पाता, इबुकी वहाँ पर FBI की तरह उनके कमरे का दरवाजा झट से खोलकर अंदर आ जाती है, और उन दोनों को एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक देखकर वो वहाँ पर योइची के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसके पीछे डंडा लेकर पड़ जाती है उसको पीटने के लिए। पर ठीक उसी वक्त ही कागो में अपने स्कूल के आर्ट प्रोजेक्ट को लेकर उन दोनों के सामने आ जाती है, और योइची से टकराने की वजह से उसका वो आर्ट प्रोजेक्ट नीचे गिर के टूट जाता है। इसलिए आगे इबुकी गुस्से में योइची को पनिशमेंट के तौर पर जाकर चिया के मांगा को उसके स्कूल में देकर आने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अपने मांगा को घर पे ही भूल गई थी। इसलिए योइची जाकर उनके स्कूल के सामने खड़ा होकर खुद से ये बोलता है कि वो इस काम को किसी न किसी भी तरीके से बिना किसी गड़बड़ के करके दिखाएगा। बट जैसे ही वो जाकर उनका दरवाजा खोलता है तो उसको वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि वो गलती से लड़कियों के चेंजिंग रूम में घुस चुका है, इसलिए वो सारी लड़कियां गुस्से में योइची के पीछे पड़ जाती है। पर जैसे तैसे योइची उनसे अपनी जान छुड़ा कर जाकर चिया को उसकी मांगा देकर ही आता है, और इस तरफ अपने डोजो सेंटर में इबुकी कागोमे के आर्ट प्रोजेक्ट को चिपकाने में उसकी मदद कर रही थी। और जब योइची स्कूल के खत्म हो जाने के बाद वापस जा रहा था तो फिर वो वहाँ पर कुछ लड़कों को ये बोलते हुए सुनता है कि उन्हें चिया को परेशान करने में काफी ज्यादा मजा आया और वो तो रोने भी लग गई थी। ये सुनकर योइची दौड़ते हुए चिया के पास जाता है और वो देखता है कि उन लड़कों ने मिलकर उसके बनाए हुए मांगा को फाड़ दिया था। पर चिया वहाँ पर योइची को देखने के बाद उसके
सामने टफ एक्ट करते हुए उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, वो इन सबको फिर से ड्रॉ कर लेगी। बट झट से वो वहाँ पर योइची को उस क्लासरूम से बाहर निकाल देती है और अंदर ही अंदर वो वहाँ पर रोने लग जाती है क्योंकि उसे उस मांगा को कंप्लीट करने में कई सारे दिनों की मेहनत लगी थी। इसलिए योइची वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में भर जाता है और उन वाले बुलीज को जाकर रस्ते में रोक के उनसे बोलता है कि उन्हें इस तरीके से अपने मजे के लिए किसी दूसरे की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। फिर हमें जिया का सीन दिखाया जाता है जिसके की स्कूल खत्म हो जाने के बाद वो अपने घर वापस जा रही थी, पर रस्ते पे ही उसको वो वाले पुलिस मिल जाते हैं और वो देखती है कि वो पुलिस वहाँ पर नीचे जख्मी होकर पड़े थे क्योंकि जिया को परेशान करने की वजह से योइची ने गुस्से में जाकर उन वाले पुलिस की हड्डी पसली तोड़ दी थी। और घर वापस आने के बाद जिया योइची को उसके अगले मांगा की मेन कैरेक्टर दिखाती है जो कि पूरी तरीके से योइची के ऊपर ही बेस्ड था क्योंकि आज उसने उसके पुलिस को सबक सिखाकर उसकी काफी ज्यादा मदद की है। इसीलिए वो उसके बदले थैंक्स के तौर पे उसके अगले मांगा में उसको मेन कैरेक्टर बनाना चाहती है। देन अगले दिन जब योइची और इबुकी तैयार होकर अपने स्कूल में जा रहे थे तभी योइची के पास आकर उसको काफी सारी फर्स्ट ईयर की सुंदर लड़कियां घेर लेती है जिनमें से एक लड़की वहां पर योइची को एक लव लेटर देती है जिसको देखकर इबुकी वहां पर काफी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है क्योंकि अब तो खुद लड़कियां आकर योइची से चिपटने लगी थी। पर ये बुद्धू योइची वहां पर उस लव लेटर को समझ नहीं पाता और उसको वहां पर ऐसा लग रहा था कि ये शायद किसी जगह का इन्विटेशन कार्ड है। इसलिए जब वो लोग अपने क्लासरूम में जाते हैं तो फिर वहां पे इबुकी उस वाले लव लेटर को पढ़ इसलिए फिर इबुकी योइची को एक्सप्लेन करती है कि डेट क्या होता है, जो सुनकर योइची वहां पर ये सोचते हुए काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है कि उसको उस डेट में और क्या क्या करने को मिलेगा। और योइची को एक दूसरी लड़की के लिए इतना ज्यादा खुश और एक्साइटेड होता हुआ देखकर इबुकी वहां पर काफी ज्यादा जेलस और गुस्सा हो जाती है और गुस्से में योइची के सर में एक घुसंड मार के वहां से जाने लगती है। पर कुछ ही देर बाद वो खुद ब खुद ही योइची के पास वापस आ जाती है जो कि उससे बोलती है कि क्यों ना वो पहले उसके साथ डेट पे चले ताकि उसकी थोड़ी सी रिहर्सल हो जाए और रियल वाले डेट में वो कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें ना करते। तो अगले दिन इबुकी अपने योइची के साथ डेट के लिए काफी ज्यादा तैयार होकर और बनठन के जाने लगती है जिसको इतना ज्यादा तैयार होकर जाते हुए देखकर चिया वहां पर उससे बोलती है कि कहीं वो किसी को चोच मारने तो नहीं जा रही ना। पर इबुकी वहां पर उसको बिना कोई जवाब दिए ही शर्माते हुए वहां से भाग जाती है और कुछ ही देर बाद वो जाकर अपने डेट पे योइची से मिलती है जिससे वो बस वहां पर ये पूछने ही वाली थी कि वो दोनों कहां पे घूमने जाने वाले हैं कि तभी वहां पर काफी सारे लोग घेर के योइची को देखने लगते हैं क्योंकि उसने काफी ज्यादा अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे थे। इसीलिए सबसे पहले तो इबुकी योइची को लेकर एक शॉपिंग मॉल में जाती है जहां पे कि वो उसको काफी सारे नॉर्मल कपड़े दिलाती है क्योंकि उसके जो पुराने युकाटा वाले कपड़े थे वो हर किसी का ध्यान बस योइची की तरफ ही खींच रहे थे। देन फिर उसके बाद वो लोग एक मिनी गेम सेंटर में जाते हैं बॉलिंग बॉल खेलने के लिए, पर वो गेम ना आने की वजह से योइची वहां पर गलती से वो बॉलिंग बॉल अपने ही पैरों पे गिरा देता है और नीचे लेटकर अपने ही पैर को पकड़कर वहां पर रोने लग जाता है। पर ये दरअसल योइची की एक चाल होती है ताकि वो इबुकी के कच्चे देख सके क्योंकि वो इबुकी को कुछ गिफ्ट देना चाहता था और वो अगर उसके सिमिलर डिजाइन के ही कच्चे लाकर उसको देगा तो फिर वो कच्चे उसको जरूर ही पसंद आएंगे। पर जब योइची की नजर वहां पर ऊपर जाती है और जो वो देखता है वो देखकर तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर सीधा जन्नत ही भाग जाती है क्योंकि आज तो इबुकी ने कुछ पहना ही नहीं था। और जैसे ही इबुकी को वहां पर ये रियलाइज होता है कि योइची क्या करने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो वहां पर उसको एक लात मार के वहां से दूर उड़ा देती है। तो जब वहां पर उन लोगों का डेट खत्म होता है और जब वो लोग वापस जा रहे थे तो इबुकी देखती है कि वहां पर काफी सारे कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे, इसलिए इबुकी भी वहां पर योइची का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है पर उसकी वहां पर ये हिम्मत ही नहीं होती कि वो इस बारे में योइची से पूछ सके। पर उसके कुछ पूछने से पहले ही योइची वहां पर उसको एक टेडी देते हुए बोलता है कि वो उसको इस डेट में कुछ गिफ्ट देना चाहता था पर उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उसको क्या गिफ्ट दे, इसलिए वो उसके लिए ये क्यूट प्यारा सा टेडी बियर लाया है और उसको ये उम्मीद है कि ये गिफ्ट इबुकी को जरूर पसंद आएगा। और उस टेडी बियर को पाने के बाद इबुकी वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि योइची ने इस वाले टेडी बियर को उसके लिए काफी ज्यादा दिल से खरीदा था। तो उस वाले गिफ्ट को लेकर इबुकी के वहां से जाने के बाद फिर वहां पे योइची के पास वही वाली लड़की आती है जिसने कि उसको पहले वो लव लेटर दिया था और वो योइची के साथ डेट पे चलने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसने ये देख लिया था कि योइची और इबुकी एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश और अच्छे लग रहे थे, इसलिए वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। देन आगे अगले हफ्ते वो सब लोग साथ मिलकर एक आइलैंड के ऊपर अपने वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं जिसे कि उन लोगों ने एक लॉटरी में जीता था। तो वो सभी लोग वहां पर अपने गर्मा गर्म हॉट स्विम सूट को पहन के सबके सामने आते हैं पर उन लोगों के बीच में योइची वहां पर अपना कोई एक पुराना सा और अजीब सा कच्छा पहन के आ चुका था, इसलिए इबुकी वहां पर उसको फोर्स करने लगती है कि वो एक नॉर्मल स्विम सूट पहन ले क्योंकि गलती से भी अगर एक हवा का झोंका चला तो फिर उसी हवा के साथ साथ वो लोग वाटरफॉल के
पानी में तैरते हुए दिखेंगे। पर उसी बीच हम लोग वहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि कोई दो अजीब से इंसान अपने सिप पे खड़े होकर दूरबीन से उन लोगों की ये सब हरकतें छुप कर देख रहे थे। और वो लोग वहाँ पर ये रिवील करते हैं कि वो लोग योइची के राइवल वाले क्लैन से हैं, जो कि यहाँ पर योइची को मारने के लिए आए हैं। तब दूसरी तरफ हमें आयामे का सीन दिखाया जाता है, जो कि योइची को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने गुब्बारों के ऊपर कुछ नकली रबड़ लगा रही थी, ताकि वो अपने लेमॉन्स को मेलॉन्स में बदल सके। पर तभी गलती से उस कमरे के अंदर योइची आ जाता है और वहाँ पे आयामे को अपने संतरों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए देख लेता है। इसलिए आयामे वहाँ से शर्म के मारे योइची को धक्का मार के वहाँ से भाग जाती है। और फिर वो सब लोग पूरी तरीके से तैयार होकर जाते हैं समंदर के अंदर स्विमिंग करने के लिए, जहाँ पे उस डोजो सेंटर का एक स्टूडेंट जाकर कागोमे को उसके साथ स्विमिंग करने के लिए बुलाने लगता है। पर पता नहीं क्यों कागोमे पानी के अंदर जाने से काफी ज्यादा रिजिस्ट कर रही थी, और आखिरकार कागोमे उन सब चीजों से परेशान होकर जंगल के अंदर भाग जाती है। और उसके पीछे पीछे वो दूसरा स्टूडेंट भी चला जाता है उसको जंगल से वापस लाने के लिए। पर जब वो उसके पीछे ही भाग रहा था उसको रोकने के लिए, तो फिर वो दोनों ही जाकर एक गहरे गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं, जिनको की दूर एक पहाड़ी पे खड़े होकर मिशी ब्रदर्स देख रहे थे। और वो लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि बच्चों को फंसाने का प्लान काम कर रहा है, योइची उन बच्चों को बचाने के लिए जरूर आएगा। और दूसरी तरफ बीच पे योइची और बाकी सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि अभी तक वो दोनों जंगल से वापस नहीं आए थे। इसलिए योइची वहाँ पर उन सब लोगों को ये सजेस्ट करता है कि उन लोगों को फैल जाना चाहिए और सबको अलग अलग होकर उन लोगों को ढूंढना चाहिए। और इस तरफ वो दोनों बच्चे उस गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते उनको एक तरफ से रोशनी आती हुई दिखती है, इसलिए वो भागते हुए उस लाइट की तरफ जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो जाकर वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो दूसरा मशाशी नाम का लड़का उस पहाड़ी के ऊपर से नीचे पानी में गिर जाता है। पर तभी जल्द ही योइची और बाकी सब लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और योइची वहाँ पर बिना दो बार भी सोचे हुए सीधा उस पानी के अंदर कूद जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए। पर वो बेवकूफ ये भूल गया था कि उसको खुद को ही तैरना नहीं आता, वो दूसरों को क्या बचाएगा। तभी अचानक से वहाँ पर वो दोनों मिजनांशी ब्रदर्स आ जाते हैं, जो कि योइची के ऊपर अपने सस्ते वाटर बेंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमला करने की कोशिश करते हैं। इसलिए चिया वहाँ पर योइची को एक लाइफ बोट देती है और कागो में जाकर वहाँ पे उस दूसरे बच्चे को बचाने लगती है, ताकि योइची वहाँ पर अपना पूरा ध्यान उन दोनों ब्रदर्स को हराने में लगा सके। तो फिर वहाँ पे वो मिजनांशी ब्रदर्स योइची के ऊपर एक बड़े से पानी के लहर के साथ हमला कर उसको पानी के गहराइयों में दफन करने की कोशिश करते हैं। पर उल्टा योइची वहाँ पर अपने महंगे विंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बड़ी सी लहर को एक बड़े से टोर्नेडो में बदल देता है, और उल्टा उस टोर्नेडो से उन दोनों ब्रदर्स के ऊपर हमला कर उनको हरा देता है। और जब फिर से वो लोग वापस से अपने बीच हाउस में आते हैं, तो फिर योइची जाकर कागोमे को सावाशी देते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अगर उसने उस मोमेंट पे उसकी मदद नहीं की होती तो फिर शायद वो उन सब लोगों को बचा नहीं पाता। और जब इबुकी वहाँ पर कागोमे के गीले कपड़ों को बदलने की कोशिश कर रही थी, तो फिर कागोमे उसको रोकने लगती है, और इसी बीच गलती से वहाँ पर कागोमे के कपड़े फट जाते हैं। और उसको देखकर वो सारे लोग वहाँ पे बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पिद्दी से होने के बावजूद भी कागोमे के पास वहाँ पर इतने बड़े बड़े मेलन्स थे कि जितने बड़े कि आयामे के पास भी नहीं थे। देन कागोमे उन सब लोगों को बताती है कि वो इसीलिए ही स्विम सूट में उन लोगों के साथ स्विमिंग करने नहीं जा रही थी, क्योंकि अगर वो मेरे इन वाले हथियारों को देख लेती तो फिर उसको तो काफी ज्यादा बुरा लगता ना, क्योंकि उसके काफी छोटे हैं। और ये सुनकर वहाँ पर सही में आयामे डिस्पिरेशन में चली जाती है, क्योंकि अब भी वो उसके छोटे बोलकर उसका मजाक ही उड़ा रही है। तो इसी तरीके से वहाँ पे उन सब लोगों के बीच में हंसी मजाक होने लगता है, और ये वाला दिन ऐसे ही बीत जाता है। देन अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग तैयार होकर एक हॉट स्प्रिंग में जा रहे थे, जहाँ पर जैसे ही जाकर वो लोग उस हॉट स्प्रिंग के अंदर पहुँचते हैं, तो फिर वहाँ पे एक बूढ़ी दादी अम्मा और काफी सारे सर्वेंट्स उन लोगों का स्वागत करते हैं। और फिर वो लोग उस दादी अम्मा के साथ जाकर वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा डिनर करते हैं, जहाँ पर वो दादी अम्मा बताती है कि आजकल उनके हॉट स्प्रिंग में इतने ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सब लोगों के बीच में कुछ ऐसी अफवाह फैल चुकी है कि ये हॉट स्प्रिंग हॉन्टेड है और यहाँ पे काफी सारे भूत रहते हैं। तो कुछ देर बाद वहाँ पे उन लोगों का डिनर खत्म हो जाने के बाद वो सारी लड़कियाँ तो अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, पर योइची और इबुकी जाकर उस वाले दादी अम्मा से बोलते हैं कि वो इस भूत वाले मामले का जायजा लेना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसके और उसके दोस्तों का इतना ज्यादा ख्याल रखा है, तो फिर उसके बदले वो लोग उनकी इस तरीके से मदद करना चाहते हैं। तो फिर वो दादी अम्मा वहाँ पर जंगल के अंदर एक गुफा के बारे में बताती है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें आते रहती है। इसलिए योइची और इबुकी इस वाली गुफा का जायजा लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो दादी अम्मा असल में दादी अम्मा नहीं बल्कि एक लड़की थी, जिसने की दादी अम्मा का भेष बदल रखा था, जो कि एक दूसरे लड़के से बोलती है कि उन लोगों का प्लान काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो उसके बाद हमें वहाँ पर इबुकी और योइची का सीन दिखाया जाता
जाता है जो कि उस वाले हॉन्टेड केव के सामने पहुंच चुके थे। और जब योइची उस वाले गुफा के अंदर जाता है तो फिर अंदर उसको हैरान तरीके से आया में मिलती है। इसलिए जब योइची जाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो फिर आया में वहाँ पर बिना कुछ बोले ही आकर उससे चिपकने लगती है और योइची उसको बस रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी इबुकी के साइड वहाँ पर उससे आकर एक योक्यो नाम का लड़का बातें करने लगता है जिसे कि हमने पहले देखा था। और वो इबुकी से इस तरीके से बात कर रहा था कि जैसे वो उसको काफी टाइम से जानता है। और इसी बीच इबुकी वहाँ पर योइची और आयामे को एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब देख लेती है। और इसी बीच वो योक्यो नाम का बंदा वहाँ पर इस मौके का फायदा उठाकर इबुकी को कम्फर्ट करते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करता है। बट तभी अचानक से योइची वहाँ पर आयामे को जोर से धक्का मार कर उससे दूर हटा देता है और उससे बोलता है कि आयामे ठरकी है पर इतनी भी ज्यादा नहीं कि वो अपने बहन के सामने सब करना स्टार्ट कर दे। और हाँ, उसके मेलोन्स आयामे के मुकाबले थोड़े से बड़े हैं इसलिए वो असली आयामे नहीं है। ये सुनकर इबुकी और बाकी सब लोग वहाँ पर उसको शक की नजरों से घूरने लगते हैं कि मेलोन के साइज से इंसान पहचानने का क्या मतलब है। और ये रियलाइज करते हुए कि उन लोगों का प्लान योइची के सामने पकड़ा जा चुका है, वहाँ पे आयामे का भेस बदली हुई लड़की वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और वो दोनों वहाँ पर इबुकी को किडनैप कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। पर वहाँ से जाने से पहले योक्यो योइची से बोलता है कि वो सफायर क्लैन का प्रिंस है जो कि एक काफी बड़ा क्लैन था और वो बचपन से ही इबुकी से प्यार किया करता था और उससे शादी करना चाहता था। और योइची ये शहर छोड़ के वापस से अपने जंगलों में चला जाए क्योंकि ये शहरों की जिंदगी उसके लिए नहीं बनी, वो अपने जंगलों में ही ठीक है। तो योइची वहाँ पर योक्यो को रोकने की कोशिश करता है पर वो ये रियलाइज करता है कि वो ढंग से मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर एक खास तरह का पॉइजन का इस्तेमाल किया था। इसलिए योइची उनसे बोलता है कि भले ही वो यहाँ से इबुकी को किडनैप कर ले जाए पर वो उनके पास से इबुकी को छुड़ाकर जरूर लाएगा। इसलिए जैसे तैसे खुद को घसीटते हुए योइची वापस से जाकर अपने उस हॉट स्प्रिंग में पहुंचता है अपने दोस्तों को जमा करने के लिए। पर वो हॉट स्प्रिंग वहाँ पर उसको पूरी तरीके से खाली मिलता है और अचानक से उसके ऊपर वहाँ पर कई सारे निंजा हमला कर देते हैं जिन्हें की योक्यो ने भेजा था योइची को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। पर उस वक्त तक योइची वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था इसलिए वो अपने एक विंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर सारे निंजास को ढेर कर देता है और उन सबका जो जनरल था वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है। और योइची उसका पीछा करे जा रहा था ताकि वो उसको पकड़ कर उससे इबुकी का पता निकलवा सके। पर यह असल में उस जनरल की एक चाल होती है क्योंकि वो योइची को लेकर एक एक्वेरियम जैसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो वाटर क्लैंस के ब्रदर अपने बड़े बड़े शार्क्स के ऊपर योइची के ऊपर हमला कर देते हैं। पर क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है उससे ज्यादा बेवकूफ और खतरनाक कोई नहीं होता, तो फिर योइची भी वहाँ पर अपने वुडन सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इतने ज्यादा बड़े बड़े शार्क्स के भी कई सारे टुकड़े कर देता है जिससे योइची को वहाँ पर योक्यो के क्लैन का पता मिल चुका था। तो योइची वहाँ पर अपने डोजो सेंटर की सारी लड़कियों को लेकर योक्यो के क्लैन के ऊपर हमला कर देता है जहाँ पर उन लोगों के सामने कई सारे खतरनाक निंजास आ रहे थे पर वो सब लोग उनको मारते हुए आगे ही बढ़ रहे थे। और फाइनली वो जाकर एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर योक्यो ने इबुकी को कैद कर रखा था। तो योइची जाकर इबुकी को योक्यो के कैद से छुड़ाता है और वो उसको बचाकर लेकर अपने डोजो सेंटर में वापस आ जाते हैं। और अगर यार आपको इस ठरकी समुराय की कहानी सुनने में मजा आया तो अभी के अभी इस वाले स्क्रीन के वीडियो पे क्लिक करो और जाके उसको देखो जहाँ पर कि मैंने एक खतरनाक वॉरियर की कहानी सुनाई है जो कि ईयर 2677 में रहने के बावजूद भी हमेशा से ही तलवार और तीर कमान से ही लड़ा करता था। तो वो ऐसा क्यों करता था और आज से 500 साल बाद की दुनिया कैसी होगी आपको ये उस वीडियो में पता चलेगा।